हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है किचन में। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत दिनों बाद है ना। सो हुआ ऐसा कि आज है जो मैं क्लच लेके गई थी ना, वो मैं क्लच वापस लाऊंगी घर पे। मतलब पूरे 7 डेज हो चुके हैं मुझे क्लच रखे हुए, और मैं उठ गई थी पर मैं रेडी नहीं हुई क्योंकि मुझे घर का मतलब बर्तन करने थे। आज हमारी मेड नहीं आई तो मैंने बर्तन कर दिए हैं, आटा भी रेडी कर दिया है, एंड टाइम फॉर रोटी। मैं रोटी बना के रेडी हो जाऊंगी और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे क्या फंक्शन होगा। आज हवन भी होगा और सब कुछ होगा, तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये सौभाग्यवती भव का चूड़ा पहना है एंड सौभाग्यवती भव की साड़ी, इसमें सौभाग्यवती लिखा है पूरी साड़ी में, तो ये साड़ी पहनी है। मैं सोच रही हूँ ये वाला मैं पहन लूँ नेकलेस, ये इस जच रहा है और मैं जच नहीं रहा कोई भी। तो बस मैं तैयार हो गई, ऑलमोस्ट आपको बस दिखाती हूँ अभी रेडी होके। यार ये इयररिंग कहाँ गया। ओके, सो मैं हो गई हूँ रेडी एंड आई एम वेयरिंग दिस सौभाग्यवती भव साड़ी। एंड आज मम्मी है नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी नहीं दिख रही, क्योंकि मम्मी नहीं है, मैं चाची ही जाएंगे, मम्मी किसी काम से गई है। सो ये मैंने इसके साथ ये पहन ली ज्वेलरी, मुझे ऐसा लग रहा है ये परफेक्ट जा रही है। और मुझे ये सौभाग्यवती भव का थीम की वीडियो बनानी है, लाइक करवा चौथ के लिए स्पेशली था, उन्होंने मुझे दी है तो मुझे उसके लिए बनानी है। मैंने आज पल्ला बड़ा करवाया था बट पता नहीं कैसे कैसे खींचते खींचते ये हो जाता है डेली मेरे साथ छोटा, बट साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और एकदम इतनी हल्की है ना, मैं बैठ सकती हूँ हवन में और एकदम कम्फर्टेबल, इतनी अच्छी टाई कर दी है, मज़ा ही आ गया मुझे तो साड़ी देख के। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी वीडियो बनवा लेती हूँ। इग्नोर मैं ऐसे चूड़े बड़े के बॉक्स पड़े, मैंने पूरा रूम फटाफट साफ़ किया है, इतना ही मैं कर पाई क्योंकि घर में खाना वाना बनाया मैंने सब किया। तो चले चलते हैं वीडियो बना के। सो ये हमन में सामग्री डाल रहे हैं, अभी हमन और होगा। सामने हमारे कलश रखे हैं और ये भंडारा भी है आज, मौज हो गई मेरी तो। देखिए व्यवस्था बनाए रखे, प्लीज शांति बनाए रखे कृपया। सब्सक्राइब हाय बोल दो। तो ये मेरे यहीं पे रहते हैं, बट कहाँ पे रहते हो आप? शनि बाजार में। अच्छा अच्छा, आपको कैसे पता मैं यहाँ पे रहती हूँ, या फिर गलती से दिखी आज? यूट्यूब पे देखा है। अच्छा, प्रारंभ करें, चलिए। ओम हरि ओम मा शस्त्र सीरी का बरगा शस्त्राक्ष शस्त्रपाद सभौमिकं सर्वतस्पृत्वा दशाङ्गुलं मा विष्णवे नमः स्वाहा। पुरुगये वेदगुं सर्वं च भवतं च वाप्यं उतावसानो चतनेन द्रोहति विष्णवे नमः स्वाहा। एतावान् समहिमादो जायस्य पूर्गा पादस्य स्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि विष्णवे नमः स्वाहा। त्रिपादोदौ दयितपुरुगः पादोऽस्येहवोत्पनः ततोऽभिगम्य ग्रामशासनानि सनैवी विष्णवे नमः स्वाहा। ततो विराडजायतपिराजोऽधिपूर्वकः सयवः श्री नमः स्वाहा। तामावः जातवेदो लक्ष्मीमर्पगामनिवशारण्यं विन्देयं कामस्सम्पुरुषानहं श्रियै नमः स्वाहा। अस्सपूर्वमृतमध्ये हस्तनादप्रवोदिनीं श्रियं देवे श्रीमादेवीयुष्टां श्री नमः स्वाहा। कामसास्मृतमरण्यं प्रागारामार्दं ज्वलन्तीं तप्तं तर्पयन्तीं पदुस्तपदुरतामेवपवेशिनीं श्री नमः स्वाहा। चन्द्राम्बवासं सज्वलन्तीं सिंहलोकदेवीयुष्टामदारं दाम्पत्यविनयसृणमुदे लक्ष्मीसुतापुलयं श्री नमः स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोदयादौ पुनस्तदितपश्चादवर्भातस्य प्राणी तपसनतयान्द्रस्य वैयालक्ष्मी श्री नमः स्वाहा। उपैतमामदेव सखा कीर्तिश्च मरणा सह प्रादुर्भूतशास्त्रकीर्तिमदात्म श्री नमः स्वाहा।
वेदांत सार सर्वस्वं प्राणं चैव मत्तमं सर्वभोगो दाकरं परमं परमार्थतत्त्वं स्वाहा नमः स्वाहा पात्र ले लीजिए हाथ में। सामग्री एक व्यक्ति को दे दो, बाकी सभी बैठ जाइए। हाँ, पूर्णाति का जो संकल्प होता है उसके लिए दक्षिणा रखिए और विशेष दक्षिणा रखिए। 10-11 से काम नहीं चलने वाला। हाँ, 100 से नीचे कोई नहीं रखेगा, 1 से 1 से नीचे। एक को नोट। सो ये है चीनी चावल, हम घर से लेके आए थे चीनी चावल जोत और क्या था घी देसी सामग्री। सभी बैठे रहे, आरती होगी अभी, ये सब आरती आरती बाकी और सब हो गया। हाँ बहुत भीड़ है अभी, घर जोड़ बोला यार। उसके हम लेके आए थे तो ये हम डाल रहे चीनी और सब। ये हमें लाई थी, चाची लाई थी और चावल भी लाए। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, प्रसवादो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज रखता भोले जी का रूप रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्ष माला वन माला रुंड माला धारी हो भोले रुंड माला धारी चंदन केसर तिलक सुगंधा भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर पागंबर अंगे भोले पागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक देव कर के माध्य कमंडल चार कोई नर गावे पूरी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी फल पावे ओम। हाँ तो ये बोला गया था कि परिक्रमा कर लो हवन कुंडी के चार और सब हो गए पागल, एक ही लाइन में लग गए, इसलिए मैं तो साइड साइड से करके आ गई चारों, मतलब इस तरफ से कोने कोने से। और यहाँ पे ना आलू छिलवा रहे हैं भंडारे के लिए, तो मैं थोड़ी सेवा कर देती हूँ, आलू वालू छिलवा देती हूँ और फिर कुछ और सेवा होगी तो वो भी कर देंगे। तो चलो काम स्टार्ट। बहुत सारे लोग करा रहे हैं, पूरी बन रही है और ये खीर बन गई है, बस आलू कट रहे हैं सब्जी के लिए और बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं, चारों तरफ आलू रखे हुए हैं ताकि लोग आराम से छीन सकें। यहाँ भी है देखो, वहाँ भी काफ़ी सारी लेडीज़ बैठी है छीनने के लिए और मेरे पीछे मैं जाऊँगी वहाँ भी। अब कुछ लोगों की परिक्रमा नहीं हुई, वो परिक्रमा कर रहे हैं और जिनकी हो गई वो सब अपने आलू छिलवाने के काम पे लग गए हैं, तो मैं भी छिलवा देती हूँ क्योंकि फिर सेवा करेंगे तभी सही लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो चलो मैं भी कर देती हूँ।
चाची भी करा रही है सेवा और कलश ले जाने लग गए। मतलब एक दो मिनट भी जाओ, दो मिनट ये बोल रहे थे नाम बोलेंगे तो बारी बारी सब अपने कलश उठा लेंगे। तो अभी इतनी भीड़ है आगे इसलिए आज तो मैं इंडी लाना भी भूल गई। सब अपने अपने कलश उठाओ और फिर चले जाएंगे अपने घर, अपने कलश लेके पानी का छींटा देंगे घर में। तो मैं अभी फिर जाऊंगी, शायद परिक्रमा करनी है भवन कुंड की, देखते हैं मैं भी कर लूंगी। तो आलू छिलवा दिए हैं, अब मैं चल रही हूँ घर। अच्छा आंटी ने हाँ छिलवा दिए ना, हमें काफ़ी सारे छिलवा दिए हमने, आधा घंटा तो मैंने छिलवा ही दिए हैं। अब मैं चल रही हूँ घर, जाके घर भी देख रहे हैं, मम्मी नहीं है ना इसीलिए। मैं भी कलश ले लेती हूँ अपना, फिर चलते हैं घर पे। आपके पितर को बना सकता हूँ बस। ओपी जी ओम प्रकाश, भूतेश्वर मंदिर में भोग लगाने जाएंगे भाई। हैप्पी सब्सक्राइबर। अभी चल रहे हैं दादी, बच लो वीडियो से। आप खुद सा राम तो चलियो एक एक नहीं पहले फूल यार ये मैं नहा रहा। नहीं नहा पूरे घर पे देने यार। जाओ पूरे घर पे। और पूरे घर पे जाओ तो काम हो जाएगा ना। होगा ना, हरा मन में दिया करा। अब कुछ शुद्ध हो ना, जाओ जाओ जल्दी जाओ पास के जाओ, कोई बात ना जाओ उन चीज जाते कोई वो ना जाओ। ना 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 ना, मैं गैल चालू लग रहा। चल इतनी बार करने की जरूरत ना, एक बार नू करे पूरे कमरे में घुमा दिया। सो मैं आ गई घर, बढ़िया मुझे मिला सब्सक्राइबर। ऐसा था मैं गांव में हूँ और हमारे आसपास बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, तो वो वहाँ पे रहते हैं, तो उनको नहीं पता था कि मैं यहाँ रहती हूँ। मतलब वो बाय चांस दिखने वाली चीज़ थी, वो एकदम से आए मिले, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को दिखे। मैं कल जनकपुरी थी तब मुझे मैसेज भी आया था इंस्टा पे भी और वैसे भी कि दीदी हमने आपको देखा, हम आपके पास अन्य तभी आप चले गए, तो अगर मिले तो आप बोल लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, मैं सबसे बात करूँगी। तो मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ऐसा है, मैं वेट करूँगी क्या पता अभी। और लाइट नहीं है घर में, अभी मैं चेंज करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा है कि
क्या पता आ गए आप? नहीं मैं तो बाहर हूँ। तुझे कहाँ दिख रहा हूँ यही क्या? पता है मुझे सब्सक्राइबर मिले हाँ। डेली मिला है तो सब्सक्राइबर ही देने हमारे तेरी फैमिली इतनी है फैमिली की छोटी सी है। आपकी फैमिली मेरी फैमिली अलग अलग थोड़ी है। आप तो मेरी फैमिली में ना नहीं कैसे लग रही मैं मन देखिए ना अब नहीं देख रहे आप मुझे हाँ मैंने वीडियो पता है मैं ये देखूंगी अभी ना आलू वालू छील के आई है। मैं चाची को बोल दिया है कि मैं दोबारा बुला लेना अगर सेवा करने का होगा मेरा मतलब एक घंटे में फोन आ गया ठीक है वरना फिर मैं चेंज कर लूंगी क्योंकि बहुत हैवी ज्वेलरी है। मज़ा आया हवन भी करी आरती भी आप भी चलते तो सही रहता बट चलो कोई बात नहीं मेरे लेके कुछ भी करो आप पकड़ना। तो लाइट कब गई है पता नहीं मैं वो लेके आई कलश दादी मिली वहाँ पे कैमरे के सामने आ गई गलती से फिर मैं बोली अब तो आप ही आए 32 दांत के दिखाओ सब देख रहे थे मुझे क्यों कि मैं इतनी अच्छी पहन के जाई थी। अच्छा। मेरी ज्वेलरी देखी है किसी ने? नहीं तो कितनी अच्छी पहनी है मस्त है ना। चलो ठीक है अब मैं थोड़ा ऐसा रेस्ट करती हूँ जाऊंगी तो दिखा दूंगी वरना घर पे खाना आएगा तो दिखाऊंगी क्या क्या मंगवाया। चाची को बोल दिया मैंने मैं आधे घंटे में आलू छिलवा के आई हूँ आ जाएंगे। ये क्या हुआ आपके यहाँ पे ये ऐसे कैमरे के सामने कौन करता है क्या फोन लिखाई यार पकड़िए क्या लगाया आपको यहाँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मिल गया चलो भाई भाई ले जाएंगे आ जाओ खाना सब्जी पूरी और ये मैंने रख ली सब्जी अपने लिए और खीर रायता भी था नहीं सॉरी हलवा भी था शायद बट मैंने मना कर दिया था कि बस सब्जी गुर्दाना और अब हम करेंगे पापा और हिमांशु तो वहीं चले गए बस मेरे और इनके लिए घर पे आया मम्मी के लिए भी पूरी तो बहुत सारी और ये चल पड़ी सवारी दोस्तों के साथ। सबसे बुरा आया आज क्या 4 बजने वाले लेकिन लाइट नहीं आई ऐसा दिमाग खराब कर रखा है ना है ज्यादा ही खराब और मैं अकेले 4 तो नहीं बजने वाले कितना टाइम हुआ देखना मुझे ना 2 बजे आज तो जल्दी जा रहे हो आप यार अच्छा ठीक है अरे मेरी घड़ी में तो पूछो मत कितना टाइम हो रहा है घड़ी का तो टाइम ही अलग होता है टाइम पे आ जाना ठीक है ओके। सो क्लश आने के बाद मैं सोई नहीं क्योंकि वो चले गए थे ना तो फिर मैं भी दोपहर टीवी देखती रही सोई बिल्कुल भी नहीं बस टीवी था ऐसे नाटक वाटक देखती रही और फिर अब है शाम का काम तो सब जो तो बनेगी नहीं बस खाना बना देती हूँ फिर आऊँगी फ्री और फिर देखती हूँ थोड़ी बहुत बेडशीट बनाऊँगी तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी आगे कुछ बनाऊँगी मैं सोच रही हूँ सारे एक बार ही दिखाऊँ रोज रोज़ क्या बेडशीट है ना तो सोच सारा कुछ एक बार ही दिखा दूँगी या फिर देख लूँगी दिखाना है तो दिखा दूँगी तो चलो खाना बनाते हैं। तो मैं खाना बना के आ गई वापस रूम में ये मैंने देखो मैंने कल बताया था ना कि मैंने 10 की कटिंग कर ली ये वही है एक दो मैंने एक्स्ट्रा किए थे ऐसे बड़ा वाला भी मैंने किया था एक्स्ट्रा पिलो के लिए और ये मैंने कुछ कर दिए आज मैं करूँगी पर पिंक की तो मैं करूँगी पूरी ही 10 की 10 और ब्लू का देखते हैं कि आज होगा या नहीं क्योंकि 10 बज के मैं खाना वाना बना के आई हूँ अभी इसलिए चलो देखते हैं कितना क्या मैं जितना होगा मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैंने रैंडम ही लिया छोटे बड़े होंगे तो भी दिक्कत नहीं मैं चद्दर बिछा के इसलिए देखी थी कि सही लग रहा है कलर तो हाँ सही लग रहा है परफेक्ट है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी सारे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं जो बाद के बने ना ज़्यादा फिनिशिंग के है अभी कटिंग पे ही है कोई कैसा कट रहा है कोई कैसा कट रहा है जैसे ये देखो ये कितना सही लग रहा है ना तो ऐसे ही है कोई कोई और मैं थोड़ी थोड़ी शेप बाद में दे दूंगी तब मेरा सारा काम हो जाएगा।